देते हैं। इससे आगे शुरू करते हैं। तो ये हमने आरएनएफ बताया था कि इसका कर सब जो है वो ग्रुप होगा कर्नल डेल्टा एन का, और हमने इसके कर्नल को एएनएफ से डिवाइड, यानी कि अब हम वो नहीं कर सकते जैसे कि हमने बी थ्री बनाने के लिए 840 टर्म रिलेशन डिफाइन किया था, इसी तरह से बी टू बनाने के लिए 5 टर्म रिलेशन से क्वेश्चन लिया था। अब हमारे पास उस तरह के रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक, इसको एक मिनट मैं बता दूं। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को शो करना चाह रहे हैं कि ये सीक्वेंस एक कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि लास्ट ये फर्स्ट थ्री जो आपको नजर आ रहे हैं, तीन जो है सीक्वेंस के ग्रुप ले लिए और उसमें हमने डेल्टा अप्लाई, तो यहाँ का एलिमेंट ये होगा, इस पर डेल्टा अप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इस पर डेल्टा अप्लाई किया तो ये आ गया, क्योंकि ये दो एक जैसे हो गए, हमने पढ़ा था वेज में एक जैसे हो जाए तो जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया जिसकी वजह से पूरा जीरो हो गया। अब दूसरा मरतबा हमने क्या किया कि लास्ट थ्री देख लीजिए यहाँ से, तो लास्ट थ्री ग्रुप्स कौन से होंगे, बी थ्री एफ, तो इसके साथ वेज एन माइनस थ्री एफ क्रॉस होगा, बी टू एफ टेंसर वेज एन माइनस टू एफ क्रॉस, और ये इस तरह से आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने क्या किया, इधर से एक एलिमेंट लिया, तो ये एक एलिमेंट होगा इधर से। ठीक है, ये इस वाले ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया, ये इस ग्रुप का जो है वो एक एलिमेंट है ये रहा। आप चाहें तो इसको शॉर्ट करके मैंने बताया था कि ऐसे लिख दें, आई की वैल्यू वन से लेके एन माइनस थ्री वाई आए वेज के ऊपर, तो ये वेज रन कर रहा है जैसे सम होता है, इसी तरह से वेज रन कर रहा है आई की वैल्यू वन से लेके एन माइनस थ्री वाई आए, तो इससे ये होगा कि इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होगी, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। तो इस पर हम क्या करेंगे, दो मरतबा डेल्टा अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये दो मरतबा डेल्टा अप्लाई किया, पहली मरतबा अप्लाई किया तो डेफिनेशन के मुताबिक, ये वाली डेफिनेशन के मुताबिक ये थ्री से टू में चला जाएगा और टेंसर एक्स आ जाएगा, और बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद रहा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि एक मरतबा फिर अप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, और ये दो एक जैसे हैं तो ज़ीरो आ गया, जिसकी वजह से पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और अभी बस ये देखना शुरू किया है, और अब हमने एक kth पोजिशन पर ले लिया, तो kth एन माइनस के पोजिशन एन माइनस के, तो उसके लिए ये तीन जो है उससे एक पहले वाला उससे इसके एक बाद वाला। अब हमने देखा कि ये जो है ये है जो है ये होगा बी एन एन माइनस के माइनस वन, सॉरी बी के माइनस वन ऑफ एफ टेंसर वेज के माइनस वन एफ क्रॉस, इसका एलिमेंट होगा, इस पर दो मरतबा हम डेल्टा अप्लाई करेंगे और शो करना है कि जब ये यहाँ पहुँचे ये ज़ीरो आ जाएगा, तो डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ एन माइनस के माइनस वन टेंसर वेज आई वन टू के माइनस वन वाई आई। तो पहले हमने अंदर वाला लगाया डेल्टा, तो ये हो जाएगा वेज एक्स, अब इसमें वन जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब वन इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो पहले जो है मज़ीद इसमें से वन सब्ट्रैक्ट होगा, तो वन सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से तो ये एन माइनस के हो जाएगा, क्योंकि ये एन माइनस के प्लस वन है, तो जब इसमें से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस के हो गया टेंसर, और फिर एक्स आ जाएगा, और फिर बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा वेज आई फ्रॉम वन टू के माइनस वन वाई आई। अब एक बार फिर इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये डेल्टा जब इसके ऊपर लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स, तो ये आप एक इससे छोटे वाली कोसेट क्लास में आ जाएगा, एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस के प्लस वन होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस के माइनस वन होगा, इस तरह से ये हो जाएगा एन माइनस के माइनस वन, तो ब्रैकेट के
तरह से हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, टेंसर एक्स आ जाएगा, और फिर बाकी चीज़ ऐसी लिखेंगे जो ये वाली है, ये हो जाएगा वेज एक्स वेज आई फ्रॉम वन टू के माइनस वन वाई आई। अब ये जीरो के इक्वल होगा, जिसकी वजह से पूरे जीरो को जीरो कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सीक्वेंस दी हुई है ये वाली, तो ये सीक्वेंस जो है एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें हर जगह पे हर दो जो कंजेक्टिव मैप्स हैं या होमोमॉर्फिजम्स हैं उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है या कंपोजिशन आ रहा है वो जीरो है, तो जिसकी वजह से जो है वो हमें पता चला ये आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी, यानी ये मैंने वेट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री लिए, तो क्लासिकल सेटिंग में हमें क्या क्या पता चल गया? क्लासिकल सेटिंग में हमें जो है ग्रुप्स जो है वो पता चले हैं कि जो ली वन है इसके लिए हमारे पास जो है बी वन एफ होता है, जो कि हमें पता है कि आइसोमॉर्फिक है किसके, एफ क्रॉस के। इसी तरह से जो है वो ली टू है, तो ली टू जो है इसके लिए हमने बी टू एफ बनाए हैं, जो के आइसोमॉर्फिक होता है के थ्री ग्रुप के, लेकिन चलें बहरहाल अभी उसको छोड़ दें क्योंकि हम उसमें जो है वो हम इतना जो है हमारे लिए फिलहाल अभी अहम नहीं है। इसी तरह से जो है ये जो है बहुत सारी चीज़ें इंडक्टिवली बताई गई हैं, इनके लिए फंक्शनल इक्वेशंस उस तरीके से मौजूद नहीं है। बी एन एफ जो है ये बनाया गया है, तो बी एन एफ के लिए जो है ये जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। उसकी वजह ये है कि जब हम बी वन एफ से लेके बी सेवन एफ तक हम जब जाते हैं, तो फिर कुछ रिलेशंस जो है, लेकिन डिफाइनिंग रिलेशन की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा। डिफाइनिंग रिलेशन तो हमें पता है किसका, हमें पता है बी वन एफ का, ठीक है, हमें बी टू एफ का डिफाइनिंग रिलेशन पता है, यानी ये डिफाइनिंग रिलेशन की बात हो रही है। डिफाइनिंग रिलेशंस, और इसी तरीके से बी थ्री एफ का डिफाइनिंग रिलेशंस पता है। इसका क्या डिफाइनिंग रिलेशन होता है? इसका तो वो सिंपल होता है, लॉग का जो फॉर्मूला होता है वही डिफाइनिंग रिलेशन, यानी ये होता है सम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। या आप इसको ऐसे कर लें, दोनों तरफ लिखने के बजाय हम इसे ऐसे माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इसका डिफाइनिंग रिलेशन है, जो लॉग का फॉर्मूला होता है एक्चुअली ये वो चीज है। इसका क्या है? इसका फाइव टर्म रिलेशन है, इसकी डिफाइनिंग रिलेशन जो है फाइव टर्म रिलेशन है, और इसका जो बी थ्री जो है वो एफ है, इसका डिफाइनिंग रिलेशन जो है 840 टर्म रिलेशन है। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो है बी फोर एफ के लिए कुछ डिफाइनिंग रिलेशन जो हैं वो बताए हैं, और वो मेरे ख्याल से 4200 कुछ इस तरह से करके इतनी टर्म्स हैं उनका डिफाइनिंग रिलेशन है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कितना है, लेकिन बहरहाल इसका बी फोर एफ का भी रिसेंटली 2019 या 18 में जो है डिफाइनिंग रिलेशन जो है वो जो है वो बताया गया है। तो इसके बाद वालों के डिफाइनिंग रिलेशंस तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ नॉन ट्रीवियल जो है वो रिलेशंस मिलते हैं, जैसे टू टर्म रिलेशन इसके अंदर भी होता है बी टू एफ में, इन्वर्जन रिलेशन इसमें होता है,
इन्वर्जन रिलेशन हमने देखा था ना बी टू एफ में, और टू टर्म रिलेशन ये इस तरह का रिलेशन था, ये जो है एक्स प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये टू टर्म रिलेशन था, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल जीरो, इसे हम कहते थे इन्वर्जन रिलेशन। इसी तरह से एक और होता है जो कि रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए होता है, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन। वो हमने नहीं पढ़ा है, कोई बहुत हमें खास जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन भी सब में होता है, बी वन एफ, बी टू एफ, बी थ्री एफ, बी फोर एफ, सब में होता है। लेकिन फिर इसके बाद जब हम आ जाते हैं जैसे कि बी फाइव एफ, बी सिक्स एफ और बी सेवन एफ, इसके अंदर हमें जो है वो कुछ नॉन ट्रीवियल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, डिफाइनिंग रिलेशन। डिफाइनिंग रिलेशन बी फोर एफ के लिए एग्जिस्ट करते। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, ये ग्रुप हैं क्या, इनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ये पॉलीलॉग को बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो भी हमारे ली, जो ली एन जो हमारे पास इन्फिनिट सीरीज होती है उसके लिए, और उसी से रिलेटेड फिर हम जो है वो इनके रिलेशन जो है वो बना रहे हैं। अब ये इनके तो डिफाइनिंग रिलेशंस मौजूद हैं, वो तो डिफाइनिंग रिलेशंस हो गए, उसके अलावा भी नॉन ट्रिवियल बहुत सारे रिलेशंस इसके अंदर मौजूद हैं। बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन में नॉन ट्रिवियल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशन आर नोन, मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए कि बाकी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मुझे यहाँ लिखना चाहिए एग्जिस्ट के बजाय नोन, यानी कि हमें पता है, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि हमें आर डिफाइनिंग रिलेशन इज नोन, यानी डिफाइनिंग रिलेशन जो है वो हमें पता है इज नोन, इनके डिफाइनिंग रिलेशन हमें पता है, नॉन ट्रिवियल रिलेशन आर नोन, हमें इनके नॉन ट्रिवियल रिलेशंस पता है कुछ, मतलब जाहिर है कि उसकी बात करें कुछ है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा के जो हैं जैसे कि बी सेवन एफ एंड onward, ठीक है, only distribution and inversion relations are नोन, ठीक है, बी सेवन से ज्यादा, बी सेवन ऑनवर्ड कहना चाहिए, ये कर दे, ठीक है, और मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली बी एट उसमें शामिल, बी सेवन उसमें शामिल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे भी जो है वो रुकेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो फिर उसके लिए हमने बी थ्री एफ डिफाइन किया था, और बी थ्री एफ डिफाइन करने के बाद जो है वो फिर साथ में फिर हमने बी फोर और दूसरे जो है उसमें चीज़ें देख ली, तो अब हमें ये हो गया कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास बी थ्री एफ ग्रुप आएगा, जो कि इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा के थ्रू इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, और जाहिर है कि यहाँ पर इससे पहले होता सी सेवन थ्री, और यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ खत्म हो जाता है, बी एन से शुरू होता है तो एन थ्री है यहाँ पे, तो ये जीरो मैप, तो जाहिर है कि ये इधर से इधर जाएगा तो ये जीरो ही मैप होगा, तो लिहाजा जो है वो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को
लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर भी मैप जो आएगा वो जीरो मैप होगा, जीरो से जीरो। तो इस वजह से जो है वो हम इन चीज़ों को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत हमारे पास नहीं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसी तरह से इसको भी हटा दें। और ये वाला जो मैप था इसको रिप्रेजेंट किया था, F23। तो ये वाले मैप को जो है F23 के जरिए जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये मैप होते क्या हैं? ये मैप जो है आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एक R3 मैप, और R3 के बारे में हमने कहा था कि ये क्या है, R3 के बारे में R3 आपको बताया था ना मैंने, ट्रिपल रेशियो के बारे में। शुरू अगर आप देखें पुराने को, R3 जो है लास्ट से पहले वाली क्लास ये रहा, ठीक है। R3 जो है एक ये ट्रिपल रेशियो होगा जो कि C63 से ZF में जा रहा हो, ठीक है, जिसमें 120 टर्म्स आएंगी, इस तरीके से ये होगा। इसको हम ट्रिपल रेशियो जो है कह रहे हैं। फिर मैंने ऑल्ट के बारे में आपको शायद थोड़ा सा जो है वो बताया था, और फिर उसके बाद हमने कहा था कि R3F से ये ग्रुप जो है वो सॉरी ये इस तरह से ये जो है इसमें डिफरेंट 7 टर्म्स आएंगी, ये जो है इसमें क्योंकि एक एक हटाते जाएंगे तो 7 टर्म्स आएंगी यहाँ पर, और हर एक में R3 होगा, और हर R3 120 का होता है, इस वजह से ये 840 टर्म्स होंगी। यही डिफाइनिंग रिलेशन था। तो क्वेश्चन ले लेते हैं ZF का R3F से, तो ये B3F बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो जैसे कि उसने वहाँ पे भी किया था, तो यहाँ पे भी इसने जो है वो इस तरीके से किया है कि ये जो है F2 जो मैप डिफाइन, बाकी तो मैप आपको क्लियर ही है, D का पता है आपको, ठीक है ना, D तो बाउंड्री मैप है। इसी तरह डेल्टा का भी पता है आपको कि डेल्टा क्या है। जो नए मैप हैं ये F2 यानी FNull, F1 और F2, ये जो है ये सारे आपके पास जो है वो नए मैप्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि F23 जो है ये जो है वो मैप क्या है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि F23 जब ये अप्लाई होगा किसके ऊपर, ये 6 पॉइंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस पर, यानी कि X1 X2 से X6, इसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो अब ये जो कह रहे हैं कि जिसके थ्रू ये लेके आया है यहाँ पर, ये होगा Alt 6 जो फंक्शन है, Alt 6 और B3F में आ रहा है। तो ये समझ लें उसका इंड्यूस्ड मैप ले लिया वो जो हम डिफाइन कर रहे होते, और ये हम कहेंगे कि ये क्या है R3 X1 से X6 sub 3 ये ले लिया। अच्छा, इसने फिर इसके बाद जो है कोएफिशिएंट जो है वो गलत लिया था, फिर उसके बाद जो है इसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया, तो कोएफिशिएंट उसने फिर दोबारा सही करके फिर इसको दोबारा इसका प्रूफ दिया। कोएफिशिएंट जो है वो मैं इसको बताता हूँ कि क्या है। इसका कोएफिशिएंट है मैप का 1/50। वन ओवर 15 ये कोएफिशिएंट है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि R3 को अगर डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 1/15 Alt 6 और डेल्टा X1। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे, मैंने आपको बताया था कि
एक्स वन एक्स टू लिखो डेल्टा, और नीचे भी वही आएगा डेल्टा एक्स वन एक्स टू, और ये खाली छोड़ दें, फिर डेल्टा एक्स टू एक्स थ्री लिखो और अगला खाली छोड़ दें, डेल्टा एक्स टू एक्स थ्री लिखें फिर ये खाली छोड़ दें, और फिर डेल्टा एक्स थ्री एक्स वन लिखें और ये खाली छोड़ दें, और डेल्टा एक्स थ्री एक्स वन लिखें और ये खाली छोड़ दें। अब क्या करते हैं, अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि वन से थ्री तक हमने यहाँ कवर कर लिए, फोर से शुरू करेंगे, एक्स फोर ठीक है, एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स सिक्स और एक्स फोर, फिर ये एक्स फोर इस तरह से सब टू सब थ्री सॉरी, तो ये बी थ्री अपने इधर ठीक है, और फिर उसके बाद ये एफ वन थ्री, ये एक्स वन, ये पांच पॉइंट्स होंगे एक्स फाइव तक, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये होता है वन ओवर टू जो इसने डिफाइन किया, वन ओवर टू, पहले मैंने कुछ और लिखा था, किसी और तरीके से लिखा था ठीक है, अब मैं इसको ऑल्ट के तरीके से लिख रहा हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा ऑल्ट फाइव, ये वही चीज है, कोई जो है वो नई चीज नहीं है, और ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो है आर एल नल सॉरी एल का यहाँ से देखता हूँ एक्स वन, यानी प्रोजेक्शन ये पांच पॉइंट्स है, तो एक्स वन से प्रोजेक्शन लिया और एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, अब इसमें लीविंग आउट आई जे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने यहाँ ऑल्ट लगा दी, सब टू टेंसर डेल्टा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये अब देखिए ग्रुप को ये समझ लीजिए कि ये क्या है, जब ये ऑल्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा ऑल्ट फाइव, तो ऑल्ट फाइव का मतलब है पांच की परमिटेशन अप्लाई होगी, तो इसमें ये सबके लिए रन करेगा, यानी कि वन टू बन जाएगा टू थ्री थ्री फोर, तो टू थ्री फोर भी आ जाएगा, सारे बारी बारी जो है वो आएंगे, तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो है चार आपके पास जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो चीजें आ जाएंगी ठीक है, तो ये आपको लग ऐसा रहा है कि ये एक दिखा दिया है लेकिन ये एक नहीं है, ये इस तरह से चार है, जैसे आपको एक पिछली बार मैंने आपको करके पिछली से पिछली वाली क्लास में जो है वो दिखाया, इसी तरह से एफ नल टू थ्री, ये चार पॉइंट्स एक्स वन से एक्स फोर, चार पॉइंट से इसके ऊपर लगेगा और ये हो जाएगा ऑल्ट फोर डेल्टा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वेच डेल्टा एक्स वन एक्स टू एक्स फोर वेच डेल्टा एक्स वन और एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर, तो इस तरह तीन तीन के वेज जो है वो आते रहेंगे ऑल्ट फोर जब हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे, अभी ये हम नहीं देख रहे कि ये
जो है वो मतलब ये कि कैसे आई है। अभी तो ये कि इस तरह से डिफाइन किए थे, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं। मतलब ये कि जो है इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई फंक्शन वेल डिफाइंड है, रिप्रेजेंटेटिव पे डिपेंड नहीं करता, इस तरह की चीज कराई थी मैंने आप लोगों को। अच्छा, मैंने भी तो आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने भी शायद पढ़ाया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसमें जब आप लोगों को वो पढ़ा रहा था मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, एक टॉपिक था जो ये क्या पढ़ा था, कैलिस थ्योरम वगैरह जो है कराया था, तो उसमें वेल डिफाइंडनेस शो करनी पड़ती कि फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो जो है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता है, अगर कहते हैं कि फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड, तो ये यानी कि वेल रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी हो जाए तो डेफिनेशन जो है वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन वही रहेगी। तो ये इस तरीके से जो है ये चीज़ें होती हैं। अब ऐसे करते हैं कि इस चीज़ को यानी कि अगर ये कह रहे हैं कि ये डायग्राम कम्यूट कर रही है, तो डायग्राम को कम्यूट करने का मतलब ये होता है ये कहने का कि जैसे कि हमने इससे पहले वाला पढ़ा, हमने वे टू के लिए पढ़ा था ना कि डायग्राम कम्यूट कर रही है, फिर उसके देखा था हमने कम्यूट कर रही है, उसमें फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करके देखी थी हमने। यहाँ डी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा डॉट एफ वन थ्री के, और एफ वन थ्री डॉट डी ये बराबर होना चाहिए डेल्टा डॉट एफ टू थ्री। अगर ये दोनों जो है वो इक्वल जो है वो आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा, ये दोनों इक्वलिटी होल्ड करेगी, तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम जो है वो कम्यूट कर रही है, ठीक है, ये डायग्राम जो है वो कम्यूट कर। अब इसके बाद देखिए कि अगर जो है मतलब ये तो हम करेंगे तो बहुत लंबी चीज़ है, इसको देखेंगे, इससे पहले हमें कुछ और टूल्स भी जो है वो समझने हैं, लेकिन उससे पहले एक ये देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई एलिमेंट हम लें, कॉम्प्लेक्स तो ये है ना कि यहाँ से ये जा रहा है इधर, अब यहाँ से अगर कोई हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, तो वो तो पहले ही यहाँ जीरो आ जाएगा, और क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है इधर के जीरो को इधर से जीरो पे मैप करेगा, इधर से आ जाना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ से लाएंगे तो भी क्या ये जीरो आएगा, ये देखना है, ठीक है। तो जब सी सेवन थ्री का एक एलिमेंट लेंगे तो क्या वो सी सेवन थ्री का एलिमेंट इधर बी टू एफ टेंसर एफ क्रॉस में आने के बाद जीरो आ जाएगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। वैसे तो जो है वो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम इधर से इस एलिमेंट को इधर लाएंगे सी सिक्स थ्री में, फिर जब सी सिक्स थ्री से हम इसको सी फाइव थ्री में लाएंगे, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये, तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ, और क्योंकि ये इसको बताया गया है कि ये मॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या करता है कि जीरो को हमेशा जीरो पर मैप करता है, आइडेंटिटी प्रिजर्विंग होता है, तो ये इसके जीरो पर ले आएगा क्योंकि होमोमॉर्फिज्म। लेकिन इसके बारे में अगर हमें नहीं पता और हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ से भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकती हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ से एक उसके ऊपर डी लगा के ये पॉइंट लिया, तो डी जो है जब हम लगाएंगे, ठीक है, किसके ऊपर, इसके पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा सी सेवन का x1 से लेके x7। तो by definition जो है ये हमारे पास आ जाएगा अच्छा ये एक मिनट ना, ये मैंने यहाँ ऑल्ट लिख दिया, ये ऑल्ट यहाँ नहीं आएगा, उसको सही कर,
ऑर्डर तो आर थ्री की डेफिनेशन में, ठीक है, तो वो तो आर थ्री की डेफिनेशन से आएगा। जब आप इसको इसमें लिखेंगे तो फिर ऑल्ट सिक्स लिखेंगे, तो फिर तो वो डबल डबल ऑल्ट हो जाएगा, तो वो फिर 720 नहीं होगा, फिर पता नहीं कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने खरीद दी थी उसको, सही कर, ये 1/15 आर थ्री होगा, क्योंकि अभी मैं ये करता तो गलत हो जाता, अभी मुझे यही अप्लाई करना था, तो ऑल्ट में सोच रहा था कि ये कहाँ से आ गया, फिर इस वाले ऑल्ट का क्या करें। अब हमने ये पॉइंट लिया है कहाँ पे, ये तो आएंगे ना, क्योंकि यहाँ तो आर में की डेफिनेशन में, आर आर में ऑल्ट कहाँ होता है, और आर की डेफिनेशन तो सिंगल होता है, सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, ये मैंने जो है वो एक्स्ट्रा लिख दिया था, क्योंकि हमने जो उसकी आर थ्री की डेफिनेशन पढ़ी थी वो उसमें। तो जब डी अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू जो है डेफिनेशन ये हो जाएगा सम I इज इक्वल टू 1 to 7 माइनस 1 की पावर I प्लस 1 और एक्स वन एक्स आई लिविंग आउट और एक्स आई, ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो डेल्टा अप्लाई करना है, सॉरी F टू F3 2 अप्लाई करना है, तो जब इसके ऊपर F3 2 अप्लाई करेंगे तो क्योंकि F3 2 एक होमोमॉर्फिज्म है, F2 3 था एक मिनट, हाँ F2 3 सॉरी, तो ये ऐसी रहेगा I from 1 to 7 माइनस 1 की पावर I प्लस 1 और F 2 3 ये आ जाएगा इसके ऊपर X 1 X I living out X 7। अब ये आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक तो इसमें से निकला हुआ है, तो F 2 3 जो है वो क्या करता है, ये फॉर्मूले में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करेगा I from 1 to 7 माइनस 1 की पावर I प्लस 7 और फिर उसके बाद जो है ये अब आपके पास 1/15, ठीक है, और ये हो जाएगा आर थ्री एक्स वन एक्स आई लिविंग आउट एक्स सेवन। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 1/15 सब थ्री आ जाए, 1/15 हमने बाहर ले लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा आई फ्रॉम 1 to 7 माइनस 1 की पावर आई प्लस 1 फिर उसके बाद ये आ जाएगा आर थ्री एक्स वन एक्स आई एट और फिर ये हो जाएगा एक्स सेवन सब थ्री। अब क्या करेंगे इसके बाद बताइए, अब क्या होगा, किसकी डेफिनेशन में फिर उसके बाद क्या होगा, और फिर क्या करेंगे, करना है इसे कुछ, इसको जीरो लेके आना है, बताएं क्या करें, ये है किसमें, पहले तो ये देखें,
ये आया है इस वक्त, B3F में है, डेल्टा अप्लाई किया तो B2 में चला जाएगा। सही जी, तो अगेन डेल्टा अप्लाई किया तो कर्नल में जाएगा, क्यों? तो दो फिर B2F पे मजीद डेल्टा अप्लाई करें, फिर आप पीछे ले जाएं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये अभी जो है ये पे डी लगा तो यहाँ आया, फिर F2-3 लगा के हम यहाँ गए। अब ये कह रहे हैं इसमें मजीद डेल्टा अप्लाई करके यहाँ ले जाएं, अब ये कर्नल में आएगा, फिर डेल्टा अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ आ जाए, तो जाहिर है वो तो आएगा ही जीरो। वो तो मतलब ये कि कुछ भी ले लें 10-20, इस यहाँ से लाए हुए एलिमेंट के साथ ऐसा क्यों करें? वो तो यहीं से कोई शुरू करें तो भी जीरो आ जाए। वो तो मतलब ये कि ऑब्वियस होगा ना, अभी जो है वो आप यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर ले आए, तो यहाँ से शुरू करके सिर्फ यहीं पे लेके आ रहे हैं, तो जो है उसके कॉम्प्लेक्स तो ये है नीचे वाला, कॉम्प्लेक्स तो ऊपर वाला है, ये इधर से आने के बाद तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ना। असल में होगा क्या कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो जब यहाँ लेके आएंगे तो यहीं पे पहुँच के जीरो हो जाएगा, उसको आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं होगी, यहीं पे जीरो हो जाएगा और वो होमोमॉर्फिज्म के जरिए यहाँ जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये एक अहम बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा इधर नहीं होगा कि यहाँ का एक एलिमेंट लिया, डी लगाया और ये लगाया, फिर यहाँ ले आए, ये जीरो नहीं होगा इधर इसके बाद, क्योंकि इससे पहले जीरो था, इसके बाद जो है तो वो ये जीरो ही आएगा। ये लेके आएंगे इसको तो ये जीरो नहीं आएगा, इधर भी आएगा तो ये ट्रिवियल नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा, ताकि आप कम्यूटेटिविटी बता सकें। इधर की इधर तो था ही जीरो, तो अब यहाँ से लेके आते, अब यहाँ ये डायग्राम भी अगर मैं कहता कम, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि यहीं पे ये जीरो हो जाएगा और उसकी रीज़न, लेकिन उसकी रीज़न ये नहीं है, ये तो है भी एक रीज़न, लेकिन आपको उसको आपको मैथमेटिकली दिखाना है कि वो जीरो आएगा। यहाँ तो जीरो होता है ना, आपको पता है कि ये जीरो को हमने रिमूव किया था यहाँ से, हमने कहा था ये जीरो, अब C7-3 का, और ये कहते हैं कि डायग्राम कम्यूट कर रही है, तो जाहिर है कि C7-3 का कोई एलिमेंट अगर ये कम्यूट कर रही है तो जब यहाँ लेके आएंगे तो ये कौन सा मैप होगा? ये ऑन टू मैप होगा, सर्जेक्टिव, यानी पूरे के पूरे C7-3 को जीरो पे मैप कर देगा ये, तो इसका मतलब इसका जो भी एलिमेंट होगा यहाँ के जीरो पे आएगा, और ये जीरो मैप है, यानी ये इधर के जीरो को इधर के जीरो में ले जा रहा है, तो इसके अलावा यहाँ का कोई भी एलिमेंट होगा तो इधर से वो जीरो आ जाएगा, और क्योंकि डायग्राम कम्यूट कर रही है तो इधर से भी जीरो आना चाहिए, लेकिन इधर से जो जीरो आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ से तो सीधा जीरो ही आएगा, यहाँ से जीरो कैसे आएगा अब ये बताना है आपको, ठीक है। ये कैलकुलेशन से आएगा, अब ये कैलकुलेशन से कैसे, वैसे देखने में तो ये आपको नजर आ रहा है इस तरह से कि भाई उधर से जीरो आ रहा है तो इधर से भी जीरो आ रहा है, और करें इसके ऊपर शायद कुछ जो है वो जहन में आए आपके कि ये जीरो जो है वो कैसे आ रहा है। जो ऑनलाइन है ये लोग, कुछ आपके जहन में आ रहा है? ये लोग सोच रही हैं। अच्छा, सोचे भी और पहले देखें भी, और इससे मिलती जुलती कोई चीज तलाश करें लेक्चर में। जी ये 840 टर्म रिलेशन बन रहा है, ये इसको देखें आप, B3F के अंदर ये जीरो है, ये चीज B3F के अंदर जीरो है, तो जब ये जीरो हो गया
ये वन वन अपॉन 15 से मल्टीप्लाई, तो ये जीरो ही आ जाएगा। तो ये इस वजह से जो है वो जीरो है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास रिलेशन है आर थ्री एफ, इसी से तो जनरेट किया था आपने आर थ्री एफ जो बताया था, कैपिटल आर थ्री एफ। तो ये 840 टर्म रिलेशन है, और जो के बी थ्री एफ का डिफाइनिंग रिलेशन है, तो इस वजह से जो है ये जीरो हो जाए। जी भाई समझ में आ गई ये चीज। तो इस तरह से जो है ये जीरो आ जाता है। हमने वेट टू में डायग्राम को कम्यूटेटिव शो किया था, कर लिया था ना। अब इसके बाद हम कर सकते हैं वेट थ्री में भी, ये वाली जो डायग्राम है इस डायग्राम को कम्यूटेटिव जो है वो शो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो चीजें जो है वो आप लोगों को पता भी हैं, आप लोगों ने जो है ग्रुप एक्शन तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अब वो ग्रुप एक्शन जो है वो किसी सेट का एलिमेंट हो या जो है वो कोई भी जो है वो ग्रुप का भी एलिमेंट हो उसके ऊपर भी लग सकता है। क्योंकि अगर आपके पास एक ग्रुप जी है तो स्टार जो है वो डिफाइन होता है इस तरह से कि ये एक्स का ही एलिमेंट जो है वो आपके पास आ जाता है, प्रोवाइडेड वो आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि ई एक्स जो है, ये दो कंडीशंस होती हैं कि ई एक्स बराबर होता है एक्स के, और दूसरी कंडीशन ये होती है, क्या होती है, जी वन टाइम्स जी टू एक्स, ये बराबर होता है जी वन जी टू एक्स के, ठीक है। ये दो कंडीशन होती, तो फिर ऐसी सूरत में ये जो स्टार है ये कहलाता है ग्रुप एक्शन जी का सेट एक्स पे, और x बन जाता है g सेट, x को फिर हम g सेट है। ये आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा मुख्तलिफ जगहों पे। अब हमारे पास जो है ये कोई सेट है f, उसका कोई एलिमेंट, जैसे कि जो है अगर हमें ये कह रहा हूं कि ये एक एलिमेंट है डेल्टा x1, x2, x3, ये एलिमेंट है, ये कहाँ होगा, ये जाहिर है कि f के अंदर कोई एलिमेंट होगा, जाहिर है कि ये तो वॉल्यूम है ना, यानी कि डिटरमिनेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट या डिटरमिनेंट जो है वो इसे कहते हैं, ये इस तरह का जो है वो एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल S3 की हम बात करते हैं, S3 जो है वो एक ग्रुप है, तो अगर हम ये कहते हैं कि इसका एक एलिमेंट है, इसका एक जो है वो 1 3, ये इसकी एक एक साइकिल है जो कि जाहिर है कि S3 के अंदर होगा, S3 का एक एलिमेंट होगा, बस ऐसे तो लिखना आता है ना आप लोगों को, ये पता है 1 3 जो है वो एक साइकिल, कॉमा लगा के लिखने जाए तो कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, 1 3 जो है वो एक साइकिल है एस थ्री का, ठीक है। साइकिल जैसे इसको डिफाइन करते 1 2 3, तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, तो 3 1 और 3, ये इस तरह से लिखते थे ना इस वाले साइकिल, तो ये पूरा परमिटेशन है, और ये उसका हमने इसी चीज को साइकिल की फॉर्म में जो है वो इस तरीके, इस एलिमेंट को फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें कि सिग्मा 1 3 है ये, ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर ये लेते हैं सिग्मा 1 3 का एक्शन लेते हैं डेल्टा एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स 3 एक्स 2 और एक्स 1,
इस तरीके से हो जाएगा अगर हमने ये एस थ्री का एक्शन लिया है। और अगर हम इसी के ऊपर ये इसकी इंडाइसेस को नहीं देखिए, अगर हम इसी के ऊपर जो है वो एक्शन लेते हैं, यानी कि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं सिग्मा 1, 2, 4, ठीक है, और ये कहते हैं कि ये जो है वो एस फोर की एक परमिटेशन है। अब इसका अगर एक्शन ले रहे हैं सिग्मा 1, 2, 4 का, किसके ऊपर? डेल्टा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये कर रहा है 1 को 2 बना रहा है, 2 को 4 बना रहा है, और 4 को क्या बना दे रहा है? 1 बना दे रहा है। तो जब इसके ऊपर ये अप्लाई हुआ तो 1 क्या बन गया? 2 बन गया, तो x2 हो गया। 2 क्या बन गया? 4 बन गया, x4 हो गया, और 3 अपनी जगह पे रहा, तो ये x3 आ गया। तो ये इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन के बाद ये इस तरीके से आ गया, समझ में आ रही बात? तो ये हम एक्शन ले रहे हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये एस फोर का एलिमेंट एक्ट कर रहा है इस एलिमेंट के ऊपर, ठीक। तो एस फोर का एलिमेंट जो है इसके ऊपर जो है उसका एक्शन जो है वो मौजूद है। हम इसको इसी तरीके से जो है, यानी कि ये जो है प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के जरिए ही हम एक्चुअली जो है कम्यूटेटिव डायग्राम शो करते हैं, यानी कि किस तरीके से जो है वो ये इसी तरीके से जो एलिमेंट्स जो है वो आते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो है वो इसको शुरू किया जाए या नहीं।